शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ताहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो क्या है, वो तो आहिस्ता कही हुई और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है, जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग के मकाम से अपना रास्ता मालूम कर सकूं। फिर जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। कयामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए, तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और ऐ मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। फरमाया कि मूसा, इसे जमीन पर डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो यकायक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो कि वो किसी ऐब बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशानात दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को, उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें, तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की गई और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है, वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया उसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन वहां फिरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इसको पाले पोसे, तो इस तरीके से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज न करें, और तुमने एक शख्स को मार डाला था तो हमने तुमको गम से नजात दी, और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदीन में ठहरे रहे, फिर ऐ मूसा तुम एक अंदाजे पर आ पहुंचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है, तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना, दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करने लगे या ज्यादा सरकश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ कि सुनता और देखता हूँ। अच्छा, तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए, हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसने कहा कि मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी फिर राह दिखाई। कहा, तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है, वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रस्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे मुख्तलिफ नबातात पैदा की
کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا، کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس روز دن چاہے اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا۔ تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں، تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کراؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ جادوگر بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگی کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا۔ اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔ اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب مقرر کی، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم ان لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی ایک بے جان جسم جس میں گائے کسی آواز تھی،
तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है? और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इसके जरिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है, और तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए, हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ऐ हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं, तो तुमको किस चीज ने रोका था, यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि ऐ मां जाए, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफक्का डाल दिया और मेरी बात को मलहूज ना रखा। मूसा ने फरमाया, तो ऐ सामरी, तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर दी, फिर उसको बछड़े के जिस्म में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा, जा, तुझको दुनिया की जिंदगी में यह सजा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल ना सकेगा, और जिस माबूद की पूजा पर तू जमा हुआ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बखेर देंगे। तुम्हारा माबूद तो अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है। इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं, और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा, वो कयामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा। ऐसे लोग हमेशा इस अजाब में मुब्तला रहेंगे, और ये बोझ कयामत के रोज उनके लिए बुरा होगा, जिस रोज सूर फूंका जाएगा, और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी। तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो। जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल होशमंद कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशे वो फराज न देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे, और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी, मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, वो उसको जानता है, और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे, और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा, और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा, तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का। और हमने इसको इसी तरह का कुरान अरबी नाजिल किया है, और इसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए हैं, ताकि लोग परहेजगार बने या अल्लाह उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है, उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने में जल्दी न किया करो, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे। और हमने पहले आदम से अहद लिया था, मगर वो उसे भूल गए, और हमने उनमें इरादे की पुख्तगी न पाई। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर इबलीस ने इनकार किया। इस पर हमने फरमाया कि आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से न निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। यहां तुमको ये आसाइश है कि न भूखे रहो न नंगे, और ये कि न प्यासे रहो और न धूप खाओ। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का बाइस हो और ऐसी बादशाहत के कभी जायल न हो। तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया, तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं, और वो अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे। और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया, तो वो अपने मकसद से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा, तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई। फरमाया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ, तुम में बाज के दुश्मन होंगे, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए, तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था।
तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए, हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं, और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो क्या ये बात इन लोगों के लिए मुजीबे हिदायत न हुई कि हम इनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं, और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह और तहमीद किया करो, और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना, और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खासगार नहीं, बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं, और नेक अंजाम अहले तकवा का है। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाए? क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई? और अगर हम इनको पैगंबर के भेजने से बेशतर किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे अहकाम की पैरवी करते? कह दो कि सब नताइज अमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रस्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम।